दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आपको इस वीडियो में कोटक महिंद्रा बैंक स्मार्ट एमआई कार्ड के बारे में। दोस्तों स्मार्ट एमआई कार्ड अगर आपके पास नहीं है कैसे आप ले सकते हो, अगर पिन कोड आपका जो आपके घर का है कैसे आप ट्रैक कर सकते हो कि आपके पिन कोड के सर्विस में कौन कौन सा शॉप और कौन कौन सा लोकेशन है, सब कुछ आप देख सकते हैं। आज हम इसके बेनिफिट और यूनिक फीचर बताने वाले हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना, अगर आप चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। सो यहाँ पे जो स्मार्ट एमआई कार्ड है कोटक महिंद्रा बैंक का, आप इससे इलेक्ट्रॉनिक के ऑल प्रोडक्ट ले सकते हो, लैपटॉप कैमरा मोबाइल टीवी एसी फ्रिज सब कुछ आप ले सकते हो बिना किसी दिक्कत प्रॉब्लम का। अगर आप इसको लेते हो तो आपकी जो सिविल स्कोर है काफी हद तक आपका फास्ट इंक्रीज होगा। तो इसके लेने के लिए कोई भी आपके पास ऐसा जैसे डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, पैन कार्ड आधार कार्ड आपका जो है उम्र कम से ना कम 20 साल प्लस होना चाहिए, साथ में आपका सिविल स्कोर भी जरूरी है। आप जो है यहाँ पे करना क्या है, आपके आधार कार्ड पे जो पिन कोड है आपको अपने आधार कार्ड के पिन कोड जो पिन कोड है मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाया हूं, आप इस वेबसाइट पे जाके वहां पे मैं लिंक भी दे दूंगा, वहां पे जाके आप लोगों को पिन कोड डाल देना है। डालने के बाद जो है वहां पे आप लोगों को ट्रैक कर लेना है और आपके एरिया में जितने सारे शॉप हैं जो इनसे लिस्टेड है पार्टनर है कोटक स्मार्ट एमआई कार्ड का, वहां पे जाके आपको अपना एक कैंसिल चेक बैंक का पासबुक या तो इसके बाद आपका आधार कार्ड पैन कार्ड जाना है, जो प्रोडक्ट आपको लेना है बात करके आप वहां से ले सकते हैं स्मार्ट एमआई कार्ड के थ्रू बिना किसी दिक्कत प्रॉब्लम का, और आपको हाई इंटरेस्ट चार्ज नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आप 12 मंथ तक के लिए कोई भी सामान एमआई के रूप में ले सकते हो। अदर जो एमआई कार्ड है जैसे कि बजाज फाइनेंस होम क्रेडिट कार्ड जो यूर कार्ड है जो एचडीबी एमआई कार्ड का जो है एचडीबी फाइनेंस का जो करल फर्स्ट का एमआई कार्ड है, इन सबसे आपको बेटर नजर आएगा क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट है बहुत कम और ना के बराबर लगेगा। तो आप चुने हुए सारे प्रोडक्ट जैसे कि आप बड़े बड़े मोबाइल फोन सब कुछ ले सकते हैं, बट इसके लिए पहले आपको वहां पे जाना पड़ेगा और ये सर्विस ऑल इंडिया हर जगह उपलब्ध है। आपको करना कुछ नहीं है, ओनली अपने आधार कार्ड का जो पिन कोड है आपको उस वेबसाइट पे डाल के आपको सर्च कर लेना है, तुरंत ही लिस्ट आ जाएगा जो भी आपके एरिया में पार्टनर है वहां पे जाके आपको बताना है कि हमें जो है कोटक स्मार्ट एमआई कार्ड से फाइनेंस करवाना है। आपस में कार्ड रहे चाहे ना रहे उससे मतलब नहीं है, तो भी आप आसानी से ले सकते हैं, बहुत बढ़िया चीज है, कोई शिकायत आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो आप टेंशन ना लीजिए, जाइए फटाफट जाके आप करवा लीजिए और आपको जो बेनिफिट प्राप्त होगा इससे आपके सेल में काफी हद तक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आप बताना आपने क्या कभी स्मार्ट एमआई कार्ड से कोई सामान लिया है कि नहीं लिया है, अपनी राय कमेंट में जरूर देना और बताना कि आपको इसकी सर्विस कैसी लगी, आपको बजाज फाइनेंस या तो कैपिटल फर्स्ट का जो एमआई कार्ड है क्या इन सबसे बेटर लगता है या वो सब बेटर है, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। बाकी तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, अगर आपको सिविल को इंक्रीज करना है तो आप जरूर एमआई फाइनेंस के एक सामान ले लीजिए, इनके थ्रू आपका सिविल फास्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और मन में कोई भी सवाल तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।